आम्ल व क्षारक। साथियों, दैनिक जीवन में आप अनेक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। क्या सभी पदार्थों का स्वाद समान होता है? आपने दही, नींबू, इमली जरूर चखे होंगे। इनका स्वाद कैसा होता है? क्या नहाते समय कभी साबुन का पानी मुंह में गया है? खाने के सोडे का स्वाद कैसा लगा? आपके मन में जरूर ये जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि नींबू, दही इत्यादि स्वाद में खट्टे, जबकि खाने का सोडा और साबुन का पानी स्वाद में कड़वे क्यों होते हैं? तो आइए आज हम जानें कि इन पदार्थों का स्वाद ऐसा क्यों होता है। दरअसल जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उनमें अम्ल यानी एसिड होता है। ये अम्ल क्या होता है? अम्ल एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिन पदार्थों में अम्ल होता है उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। आइए कुछ अम्लों के विषय में जानें। ये सिरके का चित्र है। घर या रेस्टोरेंट्स में आपने इसका उपयोग होते जरूर देखा होगा। इस पदार्थ का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? उसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये हैं साइट्रस फ्रूट्स यानी सिट्रस फल। सिट्रस फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये है दही। दही का स्वाद खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। खट्टे खट्टे आंवले। आंवलों में खट्टापन एस्कॉर्बिक अम्ल के कारण होता है। अरे इमली, अंगूर, कच्चे आमों को देखकर तो मुंह में पानी आ गया। इनका खट्टा स्वाद होता है टार्टरिक अम्ल की उपस्थिति से। पालक, क्या इसमें भी अम्ल होता है? जी हाँ, इसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ये बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। तो इसका मतलब संश्लेषित अम्ल भी होते हैं। हाँ, जरूर होते हैं, लेकिन उनके विषय में हम बाद में जानेंगे। आइए
अब स्वाद में कड़वे पदार्थों की प्रकृति के बारे में जानें। आपने साबुन के पानी को अवश्य छूकर देखा होगा। खाने के सोडे के विलयन को भी छूकर देखिए। कैसा महसूस करते हैं? चिकना महसूस होता है ना? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। आइए कुछ क्षारकों के नाम और वो किस में पाए जाते हैं इस विषय में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले साबुन में उपस्थित क्षारक का नाम जानते हैं। ये हैं या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपने घर में सफेदी होते समय चूने का पानी देखा होगा। इसमें उपस्थित क्षारक का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच साफ करने के लिए जो मार्जक काम में आता है उसमें भी क्षारक होता है। उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पेट में जलन यानी कि एसिडिटी होने पर आपने प्रति अम्ल यानी एंटा एसिड लेते देखा या सुना होगा। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षारक होता है। तो आज हमने कुछ अम्लों व क्षारकों के विषय में जाना। आप भी कुछ अन्य अम्लों व क्षारकों के विषय में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कीजिए।